इस बार की दिवाली स्पेशल है क्योंकि मैंने अभी अभी एक घर फाइनल किया है अपने लिए. वाओ. एंड इस दिवाली पे बहुत सारे इमोशंस हैं, लेकिन एक घर और उसके बाहर एक गार्डन था आमिर के घर पे, तो हमने टिंग टोंग किया. तब तक वहाँ पे एक बैल था, तो मैं उसको एम कर करके ठक 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 करे जाऊं, तब तक मेरी सिस्टर भागी राइट साइड, मैं भागी लेफ्ट, बट ऑफ कोर्स द बैल चोज मी, यू नो ऑल द बैल्स चोज मी ओनली फॉर सम रीजन. अच्छा, मेरे दिमाग में था कि मैं पीटी उषा की जैसे भाग रही हूँ, मतलब देयर इज ये लाइटनिंग स्पीड कोई क्रॉस करके दिखा है, वॉकिंग इन स्लो मोशन. आई सेड आई थिंक आई वाज रनिंग, शी सेड नो. सो आई रियलाइज. हाय, मैं हूँ दलजीत कौर और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पर. और दिवाली आ रही है, क्या प्लान्स है दिवाली के इस साल? इस बार की दिवाली स्पेशल है क्योंकि मैंने अभी अभी एक घर फाइनल किया है अपने लिए. वाओ. और कांग्रेचुलेशन. थैंक यू. तो जेरन भी बहुत एक्साइटेड है, बहुत ही प्यारा सा घर है, बहुत नेचर के बीचों बीच है, जो मुंबई में नहीं मिलता वैसा एक घर है. तो वो मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल फीलिंग है कि फाइनली हम अपनी छत वापस बना रहे हैं, हम अपने अपनी दुनिया जो पहले भी थी वापस संजो रहे हैं, जो हम दोनों ये डिजर्व तो नहीं करते थे कि वापस शुरुआत करते, लेकिन जेरन और मैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के वी आर फिगरिंग दिस आउट. एंड दिवाली मेरे छोटे पापा के घर पे होने वाली है, विच इज इन मुंबई इटसेल्फ, और मेरे डैड मॉम मेरी सिस्टर्स मेरे फ्रेंड्स सब बहुत अब फाइनली एक थोड़े पीसफुल लेवल पर है. आई थिंक वो जो एक क्वेश्चन चला था कि क्यों हो रहा है, वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था. हम लोग इवन जब केन्या में थे लॉजिक ही नहीं लग रहा था, जो भी अनफेयर चीजें हो रही थी जो डिटेल्स में नहीं बता रही हूँ, तब भी हम यही देख रहे थे कि ये हो इसका क्या, ये क्या मतलब हुआ, इसका क्या लॉजिक है, समझ में नहीं आ रहा. अब कम से कम हम सबको एक संतुष्टि है कि अब पता है. हाँ. अच्छा, ये कारण था, कम से कम कारण दिख गया. अब वो क्या होगा क्या नहीं वो तो पता नहीं, तो अब हम शायद एक थोड़े से पीसफुल लेवल पर है, जो हम कम से कम एक डेढ़ साल से हमें समझ में ही नहीं आ रहा था. तो आई एम जस्ट हैप्पी दैट माई फैमिली हैज रीच्ड पीस. एंड इस दिवाली पे बहुत सारे इमोशंस हैं, लेकिन एक हैप्पी आई एम फाइंडिंग पीस. आई एम जस्ट दैट वॉज माई ड्रीम मंथ्स बैक, सो आई एम अचीविंग दैट नाउ. राइट. जो बचपन की दिवाली की कोई याद है, कुछ ऐसे कुछ किया हो किसी के, यू नो घर पे पटाखे छोड़ दियो या समथिंग लाइक दैट? मेरे एक्चुअली माय फेवरेट थिंग इन दिवाली इज कि जो हमारे पड़ोसी हमें जो फरार देते हैं वो खाना. हाँ, दिवाली की मेरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेमोरी है मेरी बड़ी सिस्टर के साथ. तो हमें जैसे बच्चे, आई एम श्योर आपके साथ भी होता होगा, कि दिवाली की मिठाइयाँ देते थे कि जाओ वहाँ जाके दे दो. तो मैं स्कूल से आई थी, मेरी बड़ी सिस्टर रोजी दादा उनको और मुझे मिठाइयाँ दी गई कि जाओ, एक डकुआ आंटी थी बंगाली, उनके घर जाके दे दो. तो मैं और मेरी बड़ी बहन, हम दोनों, और मैं, मेरे पास एक वो पिस्टल थी जो पट पट करके वो होता ना जो रोल, तो मैं ऐसे ऐसे एम करते हुए, मैं शायद सेवन स्टैंडर्ड में थी, जेडन से 2 साल बड़ी, तब 12 साल की होंगी मैं, तो हम एम करते हुए मैं जा रही हूँ, मेरी सिस्टर के हाथ में मिठाइयां, हम गए वहां पे, क्या था घर और उसके बाहर एक गार्डन था आमिर के घर पे, तो हमने टिंग टोंग किया. तब तक वहां पे एक बैल था, तो मैं उसको एम कर करके ठक 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 करे जाऊं, तब तक दरवाजा खोला नहीं, वो बैल हो गया अनोय और हमारे पीछे भागने लगा. ओह शिट. और हम भागे और मेरी सिस्टर भागी राइट साइड, मैं भागी लेफ्ट, बट ऑफ कोर्स द बैल चोज मी, यू नो ऑल द बैल्स चोज मी ओनली फॉर सम रीजन. तो वो मेरे पीछे भागा और मैं भाग रही हूँ और मैं जाके गिरी, बैल ऑलमोस्ट पास ही, तब तक डकू अंकल आके उन्होंने पत्थर वत्थर मारा, उसको डरा दिया. तो मेरी सिस्टर आई मेरे पास, मैं डरी हुई रो रही हूँ, बोलती है, अच्छा मेरे दिमाग में था कि मैं पीटी उषा की जैसे भाग रही हूँ, मतलब देयर इज ये लाइटनिंग स्पीड कोई क्रॉस करके दिखा है. मेरी सिस्टर मुझे कहती है कि बेटा तू क्या कर रहे थे बेटा? मैंने कहा मैं भाग रही थी दादू. बोले तुम चल भी नहीं रही. सर क्या? शी सेड बेटा यू आर वॉकिंग इन स्लो मोशन. आई सेड आई थिंक आई वाज रनिंग. शी सेड नो. सो आई रियलाइज्ड जब भी कोई प्रॉब्लम होती है आई फ्रीज. आई टेक टाइम टू प्रोसेस व्हाट्स हैपनिंग, बट दैट्स प्रोबेबली द फनीएस्ट. उसके बाद मैं इतना डरती थी, मुझे वो फोबिया ही हो गया गाय और बैल से. दूर से भी देखती हूँ मैं डर जाती हूँ, कार के अंदर होती हूँ तो मैं ऐसे हो जाती हूँ. पर दैट्स वन मेमोरी, बट इट मेक्स अस लाफ एवरी ईयर. बट हाँ, वो मिठाइयाँ देना, फिर रंगोली बनाना. मुझे शायद इस बार
अपना घर बहुत मिस होगा जहाँ मैं रहती थी, क्योंकि मैं रंगोली बनाती थी और मेरी पड़ोसी अनु हाँ. और मेरे जो वो सब बाहर आके हम लोग सब बनाते थे साथ में. सो दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल इमोशनल टू डू दिस ऑल ओवर अगेन. बट या दिवाली इज अ स्पेशल एंड ऑल्सो आई एम बॉर्न ऑन दिवाली, इसलिए मेरा घर का नाम दीपा है. मैं दिवाली की मॉर्निंग में पैदा हुई और 82 के बाद आज तक दिवाली 15 तारीख को नहीं आई है, हमेशा एक एक दिन डॉज होती है. तो या सो दिवाली इज ऑल्सो माई इंडियन बर्थडे, सो इट जस्ट मार्क्स अ न्यू ईयर फॉर मी एवरी ईयर. सो आई एम जस्ट थैंकफुल दैट वी आर अलाइव एंड सीइंग अनदर ईयर. करेक्ट. So Diljit, was lovely chatting with you. Lovely. Only wishing happy things in your life forward. Thank you. And thank you so much for being with us. Thank you so much for having me. It was lovely being here.